अगली खबर नसरुल्ला गंज से है। गांधी जयंती पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो संदेश के साथ क्षेत्र के युवाओं ने गोपालपुर से नसरुल्ला गंज तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस नेता द्वारका चाट ने लगातार विगत दो सप्ताह से यात्रा कर रहे युवक कांग्रेस के साथियों के समर्थन में इस यात्रा में उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया। यात्रा में अपार जन समूह था, जिसमें पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन वर्मा भी शामिल हुए। उनके साथ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर भी शामिल हुए। यात्रा को आरंभ कराते हुए पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने नफरत छोड़कर देश में एकता का संदेश देने हेतु युवाओं को प्रेरित किया। बड़नगर में गांधी चौपाल के दौरान सज्जन वर्मा ने कहा, वर्तमान सरकार में बढ़ती महंगाई, भय, द्वेष, हो रहे अत्याचार के विरोध में सरकार के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। आज किसान, मजदूर और आमजन भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। सज्जन वर्मा ने नसरुल्लागंज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए उनके साहस और हौसले की प्रशंसा की। दिनेश गुर्जर ने पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे द्वारका जाट और उनके साथी गोपाल शर्मा, राजकुमार पटेल, संजय हवेली, मुकेश पवार, चंद्र मीना, रघुवीर पवार और अभिषेक शर्मा सहित सभी पदयात्रियों की हौसला अफजाई की। सैकड़ों पदयात्रियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा शाम को नसरुल्लागंज पहुंची, जहां रघुपति राघव राजा राम भजन गाया। यात्रा का भव्य स्वागत रास्ते में जगह जगह पर किया गया। इस बार चूंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं, देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, बड़ा भयानकता है, नौजवान रोजगार मांगता है, उसके साथ भाषणों का छलावा होता है, इस देश में अराजकता है, हम पे प्रश्न उठाए जाते हैं कांग्रेस के लोगों पे कि कांग्रेस ने क्या किया, जो हमने 60 साल में किया वो मोदी जी बेचे दे रहे हैं। आज इस देश में आर्थिक असमानता इतनी कभी नहीं रही आज़ादी के बाद कि दो व्यक्ति विश्व में अमीरों की सूची में दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो आज राहुल गांधी जी पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि देश भारत जोड़ो और नफरत छोड़ो। नफरत छोड़कर हमको आज आपसी सामंजस्य प्यार इसने बढ़ाना पड़ेगा। पूरे देश में महंगाई बढ़ी हुई है, अत्याचार बढ़ा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। उसी तारतम्य राहुल जी के संदेश को हर गाँव में गाँव पहुँचाने के लिए गोपालपुर से नसरुल्लागंज तक ये पदयात्रा आज प्रारंभ हुई है। लगातार पिछले कई दिनों तक हमारे युवा साथी पूरे पदयात्रा करते आए थे, लेकिन ये मूल जो हमारा मार्ग है, इस मार्ग से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा निदान तावट तक है, भाई को आज भाई से जोड़ने का कार्य हमारी पार्टी कर रही है और देश में सबसे ज़्यादा अमन, तरक्की और भाईचारे की जरूरत है। इसलिए मेरे नेता राहुल गांधी इतना बड़ी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भेजा गया। मैं अनुरोध करता हूँ, मैं तो तमाम जगह घूमता हूँ प्रदेश में, लेकिन जितने कार्यकर्ता बुद्धि विधानसभा में हैं, मैं कहता हूँ किसी दूसरी विधानसभा में इतने कार्यकर्ता